प्लेस भी राजीव लोचन टीम। हे गाइस, वापस से एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को थोड़ा सा गेम वाली फीलिंग मतलब शेयर करने वाला हूँ। वो गेम वाली फीलिंग कौन सी है बोल रहे होंगे आप, तो वॉलीबॉल मैच का है जो कि अभी एनुअल स्पोर्ट्स बीएमएस कॉलेज के सारे जितने भी थे छत्तीसगढ़ के, तो सारे बीएमएस कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स हुआ था। तो उसमें से मतलब इंटर कॉलेज वाली सारी गेम्स है वो सारा कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ब्लॉग पे बने रहना। और हाँ, मेरे से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्लॉग को देख रहे होंगे तो जो जो मतलब प्लेयर्स खेले होंगे ना उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना। अगर उन लोग भी देखेंगे, उन लोग जितना भी खेले कूदे उतनी धूप में मेहनत की, बहुत अच्छा। और मैं भी धूप में ब्लॉग शूट करते करते मैं भी काला हो गया, ऑलरेडी काला आदमी ऊपर से और करिया हो गया। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक मतलब एक सेकंड या मतलब एक मिनट के अंतराल में मतलब अच्छे अच्छे सीन्स रखा है मैंने, उसमें बहुत कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार। आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, मुझे पता है आप में से कोई बॉन फायर करता हुआ वीडियो देख रहा होगा, कोई तो रजाई में घुस के देख रहा होगा, तो कोई कहीं चाय की चुस्की लेता होगा। सब 5-6 दिन का मतलब टाइम लेना पड़ गया क्योंकि मेरे फ़ोन में ना ऑटो स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आई है, उसी वजह से लेट आ रही है सारे ब्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि ये एक गर्ल्स वाली टीम है तो वॉलीबॉल को पूरा गर्ल्स का कर देता हूँ, उसके बाद ना फिर बॉयज़ का अलग से कर दूँगा, उसके बाद ना ऐसे ही मतलब क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों की जो भी मैच है फाइनल से लेकर सेमीफाइनल जो जितने मैं कवर किए उतने को ऐसे वन बाई वन करके डालते जाऊँगा। कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसे ये वीडियो लगती है, या फिर जो भी उन लोग प्लेयर्स खेलते हैं होंगे ना तो उनको मतलब कौन अच्छी खेलती है क्या है। बस यही है कि आप लोग सभी मस्त एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। और वैसे आप थक चुके थे होंगे, बहुत कुछ मतलब दर्द वर्द रहती होंगी बॉडी पे, काफ़ी दिन खेलते कूदते नहीं है, मतलब अचानक में खेलने में बॉडी दर्द करता है ना, तो वो सारा कुछ अभी फ्री हो गए। अभी काफ़ी दिनों के बाद आप इस जो भी खेले हो, जो भी इन्जॉयमेंट किए हो उस ब्लॉग को मतलब लास्ट तक देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ मतलब फीलिंग वापस से वो आएगी जैसे मैं ग्राउंड पर खेल रहा था। हाँ, इसमें यह भी डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और ऐसे में बहुत सारे लोग मिस्टेक्स भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि वॉलीबॉल में सर्विस करते हुए, या फिर सबके साथ ऐसा होता है। बाकी वो तो स्पोर्ट्स के समय की बात है, बाकी आप अपने से जान सकते हो। फिलहाल अभी देख लो मेरे पीछे में, मैं सुबह सुबह मस्त ब्रश करने आया था बढ़िया तालाब के पास, एक नंबर, इधर गाँव वाली फीलिंग बहुत ही शानदार। गाँव में कितना मस्त शांति है यार एकदम से, शहर में सारे सुबह उठो दौड़ो कूदो खेलो कूदो, अपने हेल्थ को लेकर के प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो जाना भी पड़ता है पैसे कमाने के लिए, यहाँ तो बिना पैसे के जी सकते हैं आराम से। ज़िंदगी एकदम मस्त है, शांत है, एकदम चिल बाबा चिल चिल चिल। चलो एंजॉय करो ब्लॉग को, और लास्ट में यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके चल देना, और ये बिल्कुल राइट साइड में ब्लैक बटन है, पहले तो लाल बटन हुआ करता था अभी ब्लैक बटन कर दिया यूट्यूब ने, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी अगला जो वीडियो आएंगे ना वो आपसे मिस ना हो, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है। वॉलीबॉल मैच सबसे पहला मैच होना है, इसमें बिलासपुर गर्ल्स की एक टीम आई, उसके बाद एक राजीव लोचन, ये टॉस हो रही है, अभी कैप्टन आ चुके हैं। महावीर आयुर्वेद कॉलेज दुर्ग ने टॉस जीता, और इसी के साथ कैप्टन का क्या निर्णय हो गया, कब लेंगे या फिर सर्विस पता नहीं, वो डिसाइड करके बताएंगे, देखते हैं। ये अभी दोनों टीम के कैप्टन आप पहुँचे हैं, चलो अभी आप लोग को ले चलता हूँ सीधा वॉलीबॉल ग्राउंड पे, तो वहाँ उनकी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास करते हैं। और इधर जस्ट अभी पास पास होने को तैयार है, और सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आप पहुँचे यहाँ पे। जीएससी रायपुर की आकांक्षा खुशबू बरवा ने अभी बॉलिंग कर रहा है प्राचार्य महोदय के लिए, देखते हैं कितने अच्छे
इस तरीके से पूरा खेल का आरंभ किया गया है। डॉक्टर के एस करवाल सर भी बैटिंग कर रहे हैं आकांक्षा की बॉल को। ये कैच है, कैच है, कैच है, ले ले। इधर ब्लैक जर्सी में राजीव लोचन की टीम और इधर ग्रे कलर में भारती कॉलेज की टीम। देख पाते हैं किनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और इसी के साथ राजीव लोचन का टीम देख करके बहुत ही मजबूत लग रही है। शॉर्ट सर्विस करते हैं, देखो पूरे एक जगह गोला बना के, देख खड़े खड़े शॉट मारते हैं। राजीव लोचन की टीम बहुत ही मजबूत है इस तरीके से दिख रहा है आप लोग को। और जस्ट अभी क्रिकेट मैच हार के आ चुके हैं जीएस रायपुर के साथ, उसी का गुस्सा या फिर जो भी जुनून है उसको निकाल रहे हैं अभी वॉलीबॉल से। और वॉलीबॉल तगड़ा प्रैक्टिस करके आए हैं, अभी खड़े खड़े शॉट मार पाते हैं इन लोग। इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, देख पाते हैं भारती कॉलेज कितने अच्छे से चेस करती है इसका। और इसी के साथ अभी भारती कॉलेज को लीड मिला। इस तरीके से लगातार भारती कॉलेज का टीम गलती करता हुआ अपना स्कोर उधर को बढ़ा दिया है राजीव लोचन की टीम के लिए। खड़े खड़े शॉट मारते हैं राजीव लोचन के। अरे अभी आपको दिखाना चाहूँगा सर्विस बॉल करते हुए, अभी सर्विस भी करेंगे तो शॉर्ट सर्विस करती हैं। इस तरीके से राजीव लोचन की टीम बहुत ही तगड़ी है। ये अंजलि 07 की जर्सी पे बहुत ही अच्छा शॉर्ट सर्विस देती है और उधर की भारती कॉलेज की टीम तड़मराते हुए उनकी बॉल को रोक नहीं पा रही है। अब देखते हैं अंजलि का अगला सर्विस शॉट कितना अच्छा रहता है। और उधर पूजा के नाम पे है गेंद की जर्सी पे, 10 नंबर की जर्सी पे वो खड़े खड़े शॉट मारती है। कहते हैं धुआंधार जोरदार जबरदस्त, ये बॉयज लोग को भी टक्कर दे पाएंगी इस तरीके का। राजीव लोचन और भारती कॉलेज का टीम बहुत ही मजबूती के साथ खेलता हुआ खड़े खड़े शॉट मारते हैं और शॉर्ट सर्विस भी करते हैं लगातार। पूजा 19 की जर्सी पे देख रहे हो, ग्राउंड के बाहर भी जाता है, उसको भी अंदर ले आते हैं, उसके बाद नेट पे जो आती है उसको भी मारते हैं। देखो इतनी अच्छी खेल पाते हैं, सप्लाई देखते बहुत ही रोमांच हो रहा है। लाइक रिड्यूस हो गया दोनों पॉइंट, किसी एक टीम को कंटिन्यू करना पड़ेगा तभी जीत पाएंगी ये मैच। बहुत ही खतरनाक धुआंधार जोरदार जबरदस्त टीम है, दोनों टीम बहुत ही मजबूती के साथ दिख रही है। अभी आपको ले जाकर दिखाएंगे भारती कॉलेज की टीम की प्रतिभागिता। ये सेट पॉइंट है, ये सेट पॉइंट है, देखते हैं। अरे फिर से एडवांटेज हो गई, एडवांटेज नहीं ड्यूस हो गई, एडवांटेज के लिए सेट पॉइंट होते हैं। कंटिन्यू 2 पॉइंट राजीव लोचन की टीम को बनानी पड़ेगी और इसी तरह अगर रोकना है भारती कॉलेज भी कम नहीं है। वाह वाह, इस तरीके से इनको और 1 पॉइंट की ज़रूरत है, फिर एडवांटेज हो गया है। देखते हैं कि कौन सी टीम अच्छी बनाएगी, बहुत ही खतरनाक दोनों टीम लग रही है। कॉलेज की टीम जीत चुकी है 1 कोर्ट और देखते हैं अगला, अभी 3 सेट होना है। 6 ऑल हो गई और ये खराब सर्विस के साथ 1 माइनस पॉइंट। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do it all. इस बार खड़े खड़े शॉट मारने का एक शॉट नाकाम होता हुआ दिखा। इसी तरह भारतीय कॉलेज की टीम अभी लीड पे है 8 की स्कोर पे। देखो कितना अच्छा सप्लाई है। And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. भारती कॉलेज लगातार राजीव लोचन का टीम थतमराते हुए और गलती पे गलती करते हुए नाकाम होते दिख रही है। देखिए राजीव लोचन वाली टीम को बहुत ही मजबूती के साथ खेलना पड़ेगा। अभी पूरी घबरा चुकी है राजीव लोचन की टीम। इस तरीके से भारती कॉलेज ने लगातार गलती करता हुआ सीधा ग्राउंड के बाहर सर्विस कर दिया है। Control of my life soon. All the negativity that I'm in. And I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. That one life I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons. And say damn I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. जीत गया भाई, जीत गया भारती कॉलेज, जीत गया। हार गया भाई, हार गया राजीव लोचन, हार गया। ऐसे करके नारा चल रही थी और बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है राजीव लोचन की और दोनों टीम की खिलाड़ी शानदार, खतरनाक, धुआंधार, तगड़े प्लेयर हैं। दोनों टीम को इसमें तारीफ करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छे से शानदार प्रदर्शन रहा है। हो सकता है ये फाइनल पर पहुँच जाएंगी। जी एस रायपुर वर्सेस मनकी कॉलेज। कैप्टन सामने आ जाए। जीएससी रायपुर की वॉलीबॉल टीम और उधर जस्ट मनकी के साथ। तो क्या हुआ भाई आज मनकी के साथ पूरा बॉयज एंड गर्ल्स का वॉलीबॉल मैच करा दोनों का साथ तरीके से बाहर कर देगी। पूरी टीम बहुत एकदम
एकदम से उत्साहित है, बहुत ज्यादा जोश भरी और घबराई हुई। अभी जीएससी रायपुर की टीम जीत चुकी है और मैं जैसे कि आप लोग को पहले से बता चुका था, धुआंधार मजबूत जोरदार जबरदस्त वाली टीम है, तो उसी तरीके से अभी फाइनल तक पहुंचनी चाहिए। और टीम तो मजबूत है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है और उसके सिवा और भी प्लेयर हैं, जरूरत के हिसाब से सबको बदला जाएगा। आप लोग जीएससी रायपुर की टीम जो जीत हासिल की है उसका खुशी आप कैसे जाहिर करेंगे? जोरदार धुआंधार मजेदार टीम है ना? अच्छा, ये लोग अपना आवाज़ दे करके अपनी टीम की जीत की खुशी मना रहे हैं। यहाँ ब्लू जर्सी के प्लेयर्स को वो मंकी कॉलेज से टीम लेकर आई है, अभी देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छा रहेगी। देखने को तो दोनों टीम मजबूत लग रही है। उधर बिलासपुर गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से हैं और इधर मंकी दुर्ग। इसी तरह लगातार इनका सर होता हुआ है मंकी टीम को, इसी तरह बिलासपुर की टीम अभी नाकाम होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं, बाजी कभी भी पलट सकती है क्योंकि ये गर्ल्स का मैच है। अगर उधर को सर्विस मिलती है ना तो उधर का कंटिन्यूस पॉइंट जाती है, और इधर को मिलता है तो इधर को कंटिन्यूस पॉइंट जाती है। तो इस तरीके से अभी मंकी की टीम एक पॉइंट गंवा बैठे और अभी बिलासपुर को लीड मिला है। देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है। जिसको सर्विस मिलता है वही लीड करता है, ये उनका कंटिन्यू पॉइंट आता रहेगा। प्रैक्टिस तो अच्छी रही। शुरुआत में आप देखे थे भारती कॉलेज वर्सेस राजीव लोचन कॉलेज गर्ल्स का वॉलीबॉल मैच हुआ था, उसमें से राजीव लोचन की टीम लास्ट गेम पॉइंट पे आ चुकी है, शायद जीत जाएंगी फाइनल, ऐसा लग रहा है। उधर गेम पॉइंट तो अभी पीछे है। अरे यार, ड्यूस हो गया, फिर दोनों टीम के लिए ड्यूस हो गया, यानी कि दो दो स्कोर का कंटिन्यू कम्प्लीट करना पड़ेगा तब जाके होगी। मैच विनर राजीव लोचन टीम।